हेलो डी स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर सिक्सटी सिक्स फोर क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये वर्कशीट आपके लिए फोर्टीन ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के लिए, लिए शेड्यूल की गई है आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि किस तरह से सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब हमें अप्लाई करनी होती है वर्ब हमें लगानी होती है ठीक है सो so, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो डियर स्टूडेंट्स इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है आपने बहुत ही लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है पढ़ते आ रहे हो सब्जेक्ट क्या है सो वाट इज़ अ सब्जेक्ट द सब्जेक्ट इज द नेमिंग पार्ट एक सेंटेंस में जो नेमिंग पार्ट होता है ठीक है दैट इज़ सब्जेक्ट इट टेल्स यू हु द सेंटेंस इज अबाउट कि जो भी सेंटेंस है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम वो क्या होता है वो सब्जेक्ट होता है सो वैन यू रीड द सेंटेंस जब आप सेंटेंस रीड करते हो आस्क यू और सेल्फ हु इज दिस सेंटेंस अबाउट कि ये सेंटेंस किसके बारे में है तो जो आपको आंसर मिलेगा कि ये किसके बारे में बात की जा रही है तो वो क्या होगा वो सब्जेक्ट होगा द पर्सन और थिंग द सेंटेंस इज अबाउट इज द सब्जेक्ट जो पर्सन है थिंग है जिसके बारे में है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे अब हम बात करते हैं वर्ब की वर्ब क्या होती है टू पुट इट सिंपली एनी वर्ड विच शोज सम काइंड ऑफ एन एक्शन इज वर्ब तो एक काइंड जिसमें जो इसमें जो है ना हमें एक्शन का पता चले किसी का हिंदी में अगर हम कहें तो क्रिया है ना किसी काम के करने या होने का पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं तो यहाँ पे भी क्या है वर्ब है वर्ब यानी जिसमें हमें एक्शन का पता चले एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं जैसे कि रन है दौड़ रहा है चलना वॉक स्नीज ड्राइव एटसेट्रा ऑल आर क्या है दीज ऑल आर वर्ब्स ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखिए नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉर्न और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है सो so, अगर हम पहले थोड़ा सा एग्जांपल से समझें तो देखिए द कैट हैज़ और हैव ईटन अप ऑल द केक तो इसमें क्या आएगा कैट के साथ हमने किसका यूज़ किया कैट हैज़ ईटन अप ऑल द केक क्योंकि यहाँ पे कैट क्या है स्टूडेंट्स कैट यहाँ पे सिंगुलर है उसके लिए हमने हैज़ का यूज़ किया नाव द डॉग्स हैव इटन अप ऑल द केक अब यहाँ पर प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम हैव हाँ का यूज़ करते हैं द कैट अलोंग विद द डॉग्स हैज़ इटन अप ऑल द केक्स ठीक है अब इसमें देखिए इसमें जो है कैट जो है यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है तो इसमें हमने सिंगुलर का यूज़ किया हैज़ का एंड ईदर द कैट्स और द डॉग्स इसमें क्या है कि ये प्लूरल हो गया तो हमने हैव हाँ का यूज़ किया इटन अप ऑल द केक्स अब इसमें जो ये एग्जाम्पल है इनको हमने पढ़ा और इनसे हमें क्या समझ आया इनसे हमें समझ आया कि सब्जेक्ट की वर्ब के साथ किस तरह से एग्रीमेंट करनी है और इस एग्रीमेंट के ड्यूरिंग हमारा रूल क्या रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट मैच और एग्री इन नंबर यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब होनी चाहिए इफ़ यू हैव सिंगर सब्जेक्ट यानी मैच करना चाहिए अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए इट मस्ट बी ए सिंगुलर वर्ब ठीक है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसकी सिंगुलर ही होगी फॉर एग्जाम्पल द डॉग द द डॉग बाट एवरी साउंड हीयर्स अब जैसे डॉग है डॉग क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए बाग्स का यूज़ करेंगे ना कि बाग का ठीक है बाक्स जो है वो क्या है सिंगुलर वर्ब है जबकि जो बार खुच आएगा वो प्लूरल वर्ब हो जाएगी तो डॉग के साथ डॉग सिंगुलर है तो उसके साथ हम बाग का यूज़ करेंगे द डोग बाक्स का यूज़ करेंगे तो डॉग एट एवरी साउंड ही हियर उसके बाद देखिए इफ़ यू हैव अ प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है देन यू मस्ट यूज अ प्लूरल वर्ब तब हम किसका यूज करेंगे हम एक प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे जैसे इसी में अगर हम समझें तो डॉग की जगह डॉग्स हो गया ठीक है क्या हो गया डॉग्स हो गया अब डॉग्स के लिए हम किसका यूज़ करेंगे हम यूज़ करेंगे बाग का क्लियर है ठीक है डॉग्स के किसका यूज़ करेंगे बाग का तो एक और एग्जांपल इसमें समझ लेते हैं जैसे कि मान लीजिए चाइल्ड है अब चाइल्ड जो है वो क्या है चाइल्ड सिंगुलर है तो उसके लिए हम प्ले का यूज़ करेंगे प्लेज का यूज़ करेंगे ठीक है लेकिन अगर हमारे पास चिल्ड्रन है ठीक है चिल्ड्रन चिल्ड्रन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे चिल्ड्रन के लिए हम प्ले का यूज़ करेंगे स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें स्टूडेंट स्टूडेंट के लिए हम किसका यूज़ करेंगे स्टूडेंट के लिए हम प्ले का प्लेस का यूज़ करेंगे और स्टूडेंट्स के लिए हम प्ले का यूज़ करेंगे तो ये होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे नाउ लेट्स प्रैक्टिस चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मैच द सब्जेक्ट तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ से चुनना है ठीक है जो कि करेक्ट सब्जेक्ट से मैच करता हो फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू एक जो। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है चाहे कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए बोर्ड्स हो या ची नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सोल्यूशन है फिलो आप. को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज थ्रीजी स्ट सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर लें अपने फोन नंबर से इजिली साइन अप कर लें अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको सिक्सटी सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आपने कहना चाहते हैं कि बल्ब बल्ब की पावर कितनी है? अगर जो है, 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 है है अगर अगर जो जो वो वो 220 220। वोल्टेज पर ऑपरेट हो हो रहा है, राइट? इस बैटरी का आपको 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 गिवन तो ये सिंपल रिलेशन गया पर. अब कोई और डाउनलोड लिंक नीचे डाउनलोड फिलो नाउ जो है आपके लिए कर दिया गया है तो देखिए फर्स्ट है ही डैश हिज आर्म ड्यूरिंग द मैच तो इसमें क्या दिया गया है ही इसमें ब्रोक आ जाएगा ही ब्रोक हिज आर्म ड्यूरिंग द मैच क्लियर उसने मैच के दौरान उसकी आर्म जो है वो तोड़ दी थी तो इसमें क्या आ जाएगा ब्रोक आ जाएगा सेकेंड देखिए वी डैश टू द मुगल गार्डन लास्ट ईयर अब यहाँ पे क्या है हम लास्ट ईयर जो है कहाँ गए थे मुगल गार्डन गए थे तो अब इसमें किसकी बात की जा रही है इसमें लास्ट ईयर की बात हो रही है तो यानी ये पास्ट फॉर्म में चला गया अब अगर हम यहाँ पे देखें पास्ट फॉर्म ना तो गोज़ है ना गो है ना गोइंग है तो इसमें क्या जाएगा? इसमें आ जाएगा इसमें आंसर आपका वेंट आ जाएगा क्लियर तो सेकेंड का आंसर हमारा ए राइट रहेगा नाओ थर्ड है अ नंबर ऑफ सोल्जर्स डैश इंजर्ड इन द वॉर्ड इन नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या हो जाएंगे इसमें देखिए ये नंबर ऑफ सोल्जर्स अब ये सोल्जर्स है ना तो ये प्लूरल है तो इसके लिए हमारी जो वर्ब रहेगी वो भी प्लूरल रहेगी तो इसमें अगर हम बात करें वॉज इज ये कुछ नहीं आ सकता इसमें डी हमारा राइट right आंसर रहेगा थर्ड का द नंबर ऑफ सोल्जर्स वर इंजर्ड इन द वॉर डी जो है आंसर रहेगा ठीक है नंबर फोर है माय फैमिली डैश टू द माहो ट्राइब ठीक है ये ट्राइब यानी जो आदिवासी होते हैं ना एक उसमें ट्राइब का नाम है माहो तो मेरी फैमिली माहो ट्राइब से क्या करती है बिलोंग करती है तो बिलोंग के लिए देखिए अब इसमें क्या आएगा माय फैमिली ये फैमिली जो है यहाँ पे क्या है ये एक सिंगुलर उसमें रहेगी अगर फ्लूरल होती तो फैमिलीज होती ठीक है जैसे आवर फैमिलीज इस तरह से कुछ होता तो यहाँ पे फैमिली सिंगुलर है तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे दैट विल बी द माई फैमिली बिलोंग्स टू माहोट्री तो फोर्थ का आंसर आपका बी रहेगा नाउ लेट्स मू टू द क्वेश्चन नंबर फाइव मिस्टर स्वामी एज वेल एज हिज फैमिली डैश क्वाइट हम्बल अब यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से समझने की बात है मिस्टर स्वामी यहाँ पे ये जो है मेन सब्जेक्ट है और जो कि सिंगुलर है एज वेल एज हिस्स फैमिली डैश क्वाइट हम्बल तो इसमें आ जाएगा इज ठीक है उनकी एक हैबिट की बात यहाँ पे की जा रही है तो इसमें हम इंडेफिनेट का यूज करेंगे तो इसमें इज आ जाएगा आपका क्लियर इसमें वर्ग क्या आ जाएगी आपकी इज तो फिफ्थ का आपका ए आंसर रहेगा नेक्स्ट देखिए नंबर सिक्स है मैरी डैश वेरी वेल तो मैरी जो है इसमें क्या आएगा मैरी सिंग वेरी वेल नहीं आ सकता क्योंकि सिंग्स होता तो आ जाता ठीक है सिंगड तो हो ही नहीं सकता सॉन्ग भी नहीं हो सकता तो इसमें क्या आ जाएगा सेंग आएगा ठीक है मैरी बहुत अच्छा गाती थी तो सिक्स का आपका सी हो जाएगा मैरी सेंग वेरी वेल नाउ लेट्स टू द क्वेश्चन नंबर सेवन द नॉवल इंक्लूडिंग ऑल द एसेज डैश अबाउट टू आवर्स टू रीड दो जो नॉवल है इंक्लूडिंग ऑल द एसेज उसने कितना टाइम लिया पढ़ने के में ठीक है कितना टाइम लेता है दैट इज टुक अबाउट टू आवर्स अब इसमें देखिए इसमें टेक तो बिल्कुल नहीं आ सकता द नॉवल इंक्लूडिंग ऑल द एसेज अब नॉवल यहाँ पे क्या है यहाँ पे ये एक सिंगुलर फॉर्म है सो so, टेक uh, नहीं आ सकता विल टुक का तो मतलब ही नहीं है टेकन कभी भी अकेला नहीं आता है टेकन जो है टेक टुक टेकन वर्क की थर्ड फॉर्म हो गई और थर्ड फॉर्म जो है ये इस तरह से अकेला नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता यहाँ पे टेक्स होता तो ठीक हो जा हो सकता था इस चीज़ का थोड़ा सा समझिए आपको यहाँ पे टेक्स होता ना नोवल सिंगुलर है टेक्स होता तो ये हम टेक्स कर सकते थे ठीक है लेकिन अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा टुक जो है वो राइट right आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा तो इसमें से ये आंसर आपका टुक रहेगा सेवन का सी जो है आपका राइट right आंसर रहेगा क्लियर तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं तो ये थी आपके आज की इंग्लिश की वर्कशीट आई होप सभी को ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये क्लियर है फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव एन आई स्टे